क्यों ना हो, दर्शक के बिना उस प्रतियोगिता का कोई महत्व नहीं रह जाता। सभी को मेरा अंतिम आज के लिए प्रणाम, और पहले से मैं बोल दे रहा हूं आपको, ये प्रतियोगिता खत्म होने पर आप अपने अपने घर जाएंगे। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। शुरू होने की कगार पर पहला रेड शानदार अंदाज में ये मैच होगा, ये तय है। और हम बता दें, इस मैच में जो बेस्ट कैचर होगा, सबसे ज्यादा अंक बनाएगा, उसको विजय भोए की ओर से 500 रुपए, और बेस्ट रीडर, इस मैच का बेस्ट रीडर जो होगा उसे पालू साहू जी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ये विजय भोए जी और पालू साहू जी दोनों वन विभाग में पदस्थ हैं, दोनों आपस में बेहतरीन फ्रेंड हैं। धन्यवाद करेंगे हम इन दोनों महानुभावों का, विजय भोए और पालू साहू का, और यहाँ पर बेहतरीन कर्मवीर जैसे खिलाड़ी बेहतरीन सिमी है, ये सन्नी जिन्होंने टेकल किया। चलिए, ये अभी गोंदिया महाराष्ट्र के रीडर राइट कर्नर को टच करने का दावा किया है, देखते हैं उनका दावा सही साबित होता है या नहीं। और गोंदिया ने ये अंक लिया, 1-1 से दोनों टीमें बराबर हो। युवा जोश से लग रही यहाँ पर हरियाणा घुमड़ की टीम, युवा डायरेड है, और यहाँ पर मल्टी पॉइंट का इशारा आया है। मोहित शानदार 2 अंकों के साथ अपनी टीम को 3-1 पर पहुंचाया, 3-1 का स्कोर। अभी भी हरियाणा घूमड़ के पक्ष में है, देर रात तक चल रहे इस फाइनल मुकाबला को 3-1 की बढ़त, इस बीच हरियाणा घूमड़ के पक्ष में। जिस तरह से ये खिलाड़ी चंद्रपुर में खेले थे, गोंदिया महाराष्ट्र के खिलाड़ी, यहाँ पर भी उम्मीद की जा रही थी कि यह टीम फाइनल जरूर पहुंचेगी, और उम्मीद पर खरा उतरते हुए इन खिलाड़ियों ने फाइनल तक का सफर तय किया। और उनके सामने कौन सी टीम होगी ये सोचने का विषय था सबके लिए, लेकिन ये हरियाणा घूमड़ की टीम आई और विभिन्न टीमों को बहुत ही बड़ी हार, शानदार टिकल, लाजवाब टिकल बजने लगी है। 4-1 का स्कोर हुआ उनके पक्ष में, हरियाणा घूमड़ के पक्ष में। ये डू ऑर डाई रेड है,
हरियाणा घूमड़ के लिए रेड अड्डू अड्डा रेड करते हुए और यहां पर निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं सके। 4-2 का स्कोर। कर्मवीर शानदार खिलाड़ी, जानदार खेल इस खिलाड़ी का, देखना है इस फाइनल मुकाबले में। नंबर चार ने यहां पर टेकल करने में कामयाबी पाई है। 5-2 की बढ़त, बेहतरीन डिफेंस, देखने में बिल्कुल कम उम्र के खिलाड़ी लेकिन इनका खेल किसी भी मायने में ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों से कम नहीं है। उम्र दराज खिलाड़ियों की तरह, अनुभवी खिलाड़ियों की तरह खेलते हुए और इस खिलाड़ी की जीतने भी तारीफ की जाए कम। अंकित राकेश रेड पर, मैच के सर्वश्रेष्ठ कैचर और सर्वश्रेष्ठ रेडर को 500 रुपए के पुरस्कार श्री विजय भोज और पालू साहू की ओर से। वन विभाग में पदस्थ दोनों आपस में दोस्त। मोहित चिल्लर और मोहित गोयत नाम के ये दो मोहित खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं और हो सकता है कि ये मोहित भी आगे चल के प्रो कबड्डी में खेलते हुए नजर आए। जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह की उम्र है, उसको देखते हुए अपेक्षा करते हैं कि ये खिलाड़ी भी कभी, और ये अंक लेना आवश्यक है इस रेड में। जिस तरह से ये तीसरा रेड है, पिछले दो रेड बिना अंक के गए थे। 5-2 का स्कोर है हरियाणा गोवर्ड के फेवर में और यहाँ पर तो फंस गए। दो रेड निश्चित रूप से रेडर के लिए एक मुश्किल भरा क्षण होता है। यहाँ भी डू आर डाई रेड है, कंटिन्यू डू आर डाई रेड होता हुआ राकेश रेड करते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर आक्रमण उनका। यहाँ पर तो चूके चौथा अंक आया फिलहाल इस रेड में। पॉइंट लाने पर 500 रुपए का पुरस्कार शोभा राम साहू जी द्वारा। इसी रेड की बात थी ये, लेकिन रेड हट चुके। 4-5 का स्कोर। घूमर 5 पर है और गोंदिया 4 पर। 5 खिलाड़ी हैं, बोनस नहीं मिलेगा। अभी भी स्कोर 5-4 का बना हुआ घूमर के पक्ष में। दुनिया कितना सिमट चुकी है, हरियाणा के खिलाड़ी रुचिता के मैदान पर आधी रात को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा और कहां ये रुचिता, न तो रेलवे स्टेशन के नजदीक है, न कोई बड़ा शहर है उसके। हरियाणा के खिलाड़ियों को खींच के ले आया है ये गांव। बहुत ही बढ़िया आयोजन, जिस तरह से बड़े खिलाड़ियों का जमघट लगाते हुए यहाँ पर कराया है, बनाना आवश्यक है इस रेडर को। कौनसी नाम है इस रेडर का, निश्चित रूप से ज्यादा उम्र नहीं है इस खिलाड़ी का, लेकिन खेल कोई उम्र का बंधन नहीं रखता। छोटे उम्र के खिलाड़ी भी अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, इस बात का सबूत देते हुए ये खिलाड़ी हरियाणा घूमर के आगे बढ़ाया हाथ, लेकिन बढ़ते बढ़ते रह गया। 5-5 की बराबरी। यहाँ पर फिर से डू और डाई रेड है, यानी करो या मरो की स्थिति है रेडर के लिए। अंक बनाना आवश्यक होता है डू और डाई रेड पर और ये बना गए।
अपने साथी खिलाड़ियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिस तरह से वो कार्नर के खिलाड़ी को जाके टच पॉइंट ले लिए, 6 पर पहुंचा स्कोर गोंदिया महाराष्ट्र का, जबकि 5 पर है हरियाणा का। उतार चढ़ाव से भरा यह मुकाबला। कर्मवीर रीडर तीन खिलाड़ी हैं, सुपर टेकल आन है। ये सुपर टेकल टीम को आगे बढ़ा सकती है, एक अंग की बढ़त पर ला सकती है। शानदार टेकल नंबर 4। चार नंबर के खिलाड़ी ने यह टेकल की शुरुआत की, पॉइंट उन्हीं को जाएगा। एक अंक की बढ़त, 7 पर पहुंचा हरियाणा का स्कोर, 6 पर है गोंदिया महाराष्ट्र का स्कोर। अभिभूत कर दिया है इन खिलाड़ियों के खेल ने। और देखते ही देखते 10 मिनट का खेल पूरा हो गया। ऐसा लग रहा है मानो अभी अभी तो ये मैच शुरू हुआ है, 5-7 मिनट हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है। इन खिलाड़ियों के खेल ने मंत्रमुग्ध सा कर दिया है उपस्थित तमाम दर्शकों को। स्कोर फिलहाल मध्यांतर तक 7-6 पर गोंदिया महाराष्ट्र का स्कोर, 6 अंकों पर, महज 1 अंक का अंतर दोनों टीमों के स्कोर में। बढ़िया मुकाबला, 6 के अनुरूप खेलते हुए दोनों ही टीमें। हालांकि यहां पर जिस तरह से पिछले मुकाबले खेले थे, खास करके बिलासपुर की टीम को पराजित किया था, तो अपेक्षा की जा रही थी कि गोंदिया महाराष्ट्र की टीम भारी पड़ सकती है, लेकिन हरियाणा के इन खिलाड़ियों ने, अब कम उम्र के खिलाड़ियों ने जिस तरह से यहाँ पर बढ़त बना के रखा है मध्यांतर तक, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है। और यदि वो अंत तक अपनी बढ़त को बना के रख पाते हैं तो निश्चित रूप से घूमड़ हरियाणा के ये खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित तमाम कबड्डी प्रेमियों के दिलों में छा जाएंगे। ऑफिशियल्स तैयार और ये अंपायरों की भी सील बजी। मैच शुरू हुआ, सेकेंड हाफ का पहला रेट। नवीन शर्मा और सेकेंड हाफ की शुरुआत में ही नवीन शर्मा ने ये पॉइंट लिया, बराबरी का अंक हासिल किया। 7-7 पर दोनों टीमों का स्कोर। और यदि इस खिलाड़ी को टेकल करते हैं तो भारत गैस एजेंसी की ओर से, राजकुमार साहू जी की ओर से ₹500 का पुरस्कार दिया जाएगा टेकल करने वाले खिलाड़ी को। भारत गैस एजेंसी के संचालक राजकुमार साहू जी और जितेंद्र साहू जी, उनकी ओर से उस खिलाड़ी के लिए रखा गया था। और यहाँ पर सुपर टेकल हो पाएगा क्या? सुपर टेकल पूरा हुआ, शानदार। नवीन शर्मा को टेकल करने में कामयाबी पाई। 9-7 का स्कोर हुआ। हरियाणा घूमर 9 अंकों पर, 7 पर है गोंदिया महाराष्ट्र। मुकाबला निश्चित रूप से फाइनल जैसा लगता हुआ, फाइनल मैच की जिस तरह से कल्पना की जाती है एक रोमांचक एक कड़े मुकाबले की, ठीक उसी प्रकार का मुकाबला हो रहा है यहाँ पर। डू आर डायरेक्ट करते हुए नौ सात का स्कोर है। और ये कर्मवीर कहाँ से आते हैं देखिए, 8-9 के स्कोर पर रेडर
रीड करता हुआ, गोंदिया महाराष्ट्र का, एक अंक से पीछे उनकी टीम। कड़ा मुकाबला, एक एक अंक के लिए संघर्ष। और फिर से यहाँ पर टेकल कामयाब होता हुआ, फिर सुपर टेकल दूसरा 11-8। और इस खिलाड़ी भारत जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार टेकल करने पर राजकुमार साहू जी और जितेंद्र साहू जी, प्रोपराइटर भारत गैस एजेंसी रुचिता। 11-8 का स्कोर बरकरार है, 3 अंकों की बढ़त। टाइम आउट लिया, चलता रहता है एक एक अंक के लिए। 4 खिलाड़ी हैं इस बार, सुपर टेकल का अवसर तो नहीं है लेकिन टेकल करके एक अंक लेने का अवसर बरकरार है। पूरी तरह से दबाव बना के रखा है यहाँ पर हरियाणा घूमड़ के खिलाड़ियों ने। बेहतरीन बेहतरीन, व्हाट अ नाइस टेकल, दैट इज नंबर 4। भारत का स्कोर नंबर 4, शानदार टेकल। अरुण है नंबर 4 जिन्होंने टेकल किया पिछला टेकल। हरियाणा मोहित, भारत गैस एजेंसी की ओर से पुरस्कार जारी रहेगा इस खिलाड़ी को टेकल करने पर। राजकुमार साहू जी और जितेंद्र साहू जी की ओर से, भारत गैस एजेंसी की ओर से। और ये कर्मवीर, ये खिलाड़ी है, मात्र रखता है ये खिलाड़ी अपनी टीम को वापसी कराने का। कर्मवीर, 5 खिलाड़ी हैं, बोनस अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर जाने दिया, सुरक्षित जाने दिया। ये डू ऑर डाई रेड है, अंक लेना होगा काशी को। 12-8 का स्कोर अभी भी फेवर में हरियाणा के। काशी रेड करते हुए, यहाँ पर आसानी से टेकल कर लिए गए। डू और डाई मुश्किल रेड होता है। 9-12 के स्कोर पर कर्मवीर करते हुए अंतिम 5 मिनट का खेल शेष। अंक दे दिया गया है निश्चित रूप से, एक अंक की बढ़त समान किया है निश्चित रूप से। काफी समर्थक उनके इस मैदान पर बन चुके हैं। ये हैं मोहित, मोहित को टेकल करने पर 500 रुपए का पुरस्कार भारत गैस एजेंसी की ओर से। कर्मवीर, सुपर टेकल का अवसर था लेकिन मौका नहीं, शायद यहाँ पर दुआ डायरेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। गोंदिया महाराष्ट्र के खिलाड़ी, अंतिम 4 मिनट पर आ चुका है यह मुकाबला। अंतिम 4 मिनट का खेल शुरू हो चुका है। इसी टीम अभी भी 2 अंकों की बढ़त है। कर्मवीर है रेडर और ये रेड निश्चित रूप से डू ऑर डाई होने जा रहा है। डू ऑर डाई, अंक लेना ही होगा रेडर को, अंक बनाना आवश्यक है। क्या अंक ले पाएंगे इस मुश्किल घड़ी में मोहित? और यदि अंक ले लिया तो निश्चित रूप से वो अपनी टीम को बढ़ा के ला जाएंगे। साइड लाइन से बाहर चले गए और इस तरह से टेस्ट करते हुए एक अंक प्राप्त किए। डू ऑर डाई यहाँ भी है लेकिन केवल 2 खिलाड़ी हैं। कर्मवीर जैसे खिलाड़ी को सोचा तो
टोटल कर लिया है लगभग। अपनी तरफ से कोशिश जारी है, खेल जा रहा है, लेकिन ये है बेहतरीन शानदार खेल नंबर 10। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। नंबर 10 और नंबर 9 11 का स्कोर हुआ। नंबर 10 और नंबर 9 राहुल और सनी। अंतिम 3 मिनट राहुल और सनी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मेरे ख्याल से इस प्रतियोगिता का सबसे बढ़िया मोमेंट था ये। इससे बढ़ के और कोई मोमेंट इस प्रतियोगिता में देखने को नहीं मिला था। नंबर 10 और नंबर 9 राहुल और सनी ने मिलकर ये वो मोमेंट दिया जिसे शायद ही भूल पाए यहाँ के दर्शक। 14-11 का स्कोर। अंतिम 3 मिनट का खेल बाकी है। बढ़िया सुपर टेकल किया, पिछला टेकल लाजवाब टेकल था वो टेकल। इस प्रतियोगिता का बेहतरीन सुपर टेकल बैटिंग, वाह क्या कहने इन खिलाड़ियों के। 5वां सुपर टेकल। अंतिम 2 मिनट पर पहुंचा यह मुकाबला। 16-11 का स्कोर है घूमर हरियाणा के पक्ष में। 16-11 का स्कोर हरियाणा घूमर के पक्ष में। एक यादगार मुकाबला, दिल को जीत लेने वाला, दिल को छू लेने वाला यह मुकाबला। कर्मवीर को जिस तरह से सुपर टेकल किया प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ मोमेंट था। 16-11 5 अंकों की बढ़त। समय धीरे धीरे खिसकता हुआ और जो जो समय खिसकेगा त्यों त्यों ये मुकाबला भी हाथ से निकलेगा। गोंदिया महाराष्ट्र के हाथ से। रेडर आउट। 16-12 का स्कोर अभी भी हरियाणा के फेवर। अंतिम शुरू हो चुका है। तेरह पर पहुंचा स्कोर। 16-13 का स्कोर। कुछ भी हो सकता है अभी भी इस मुकाबले में, कुछ भी हो सकता है। और 9 और 10 नंबर के ये दो खिलाड़ी अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने सुपर टेकल करके यहाँ रोमांच पैदा कर दिया था, इस खेल मैदान को एक यादगार पल दिया था। और ये सुपर टेकल का और अवसर, लेकिन सुपर टेकल हो ना सका। और नंबर 10 राहुल, देखते हैं कि 16-14 का स्कोर है, अभी भी 2 अंकों की बढ़त है। 16-14 का स्कोर है, अभी भी कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। अंतिम मिनट का खेल चल रहा है। लेकिन यहां पर मैच रेफरी का इशारा, समय समाप्त हो चुका है। एक अंक से आखिरकार ये मुकाबला हरियाणा घूमर की टीम ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले घंटी के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।